हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आइयो, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मॉर्निंग में बनाया था मैंने पोहा और आलू गोभी की सब्जी, और मैंने ये अपने प्लेट निकाल ली है। तो मैं नाश्ते में खा रही हूँ पोहा, रोटी और रात की सूखी सब्जी थी आलू मेथी की, तो मैंने थोड़ी सी वो ले ली है, और आलू पत्ता गोभी मटर की सब्जी थी वो ले ली है मैंने। और ये उसके बाद मैंने डायरेक्ट ना रात का क्लिप ऐड किया है। दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो अभी मैं बना रही हूँ मंचूरियन। तो मंचूरियन के लिए मैंने सब्जी पहले से कट करके रखा था फ्रिज में। ये मैंने पहले एक दिन ब्लॉग में दिखाया भी था। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ सर्दियों के मौसम में ना, सब्जियों का इस तरह से बारीक कट के रख देती हूँ, और वो सब्जियाँ बहुत यूज में आ जाती है। कभी मंचूरियन बनाना हो तो फटाफट बन जाती है, कभी पिज्जा पराठे बनाना हो तो बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड ना, मैं कैमरा को सेट कर रही थी, पता नहीं इसमें ना अभी मैं देख रही हूँ, उस समय तो पता नहीं चल रहा था, ये थोड़ा सा वहाँ पर ना साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा ना किचन में दो साइड बल्ब लगे हुए हैं, एक साइड जस्ट इसके अपोजिट लगे हैं और एक साइड इधर लग गया। तो जब मुझे कुछ ना रात में फ्राई वगैरह करना होता तो मैं इधर के बल्ब जलाती हूँ, तो शायद ना वो चमक रहा था, डायरेक्ट पड़ रहा था उस पर। तो ये मैंने ना वेजिटेबल्स में मिला दिया है मैदा और कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, और अब मैं इसको ना फ्राई कर लूँगी छोटे छोटे बॉल बना के। मंचूरियन तो इजी है फ्रेंड्स, सभी बना लेते हैं। तो आज रात में मेरा मूड था कि सब्जी, मतलब हस्बैंड और बेटा मेरे रात में कम ही खाते हैं, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा मंचूरियन बनाऊँगी, और आलू की भुजिया भी है थोड़ी, तो उसके साथ ही खा लेंगे हम लोग। और फ्रेंड, कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था, तो कारण ये था ना कि कल मैंने इसका एडिटिंग नहीं कर पाई थी। मेरे पास शूट किया हुआ था लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। थोड़ा सर्दी के मौसम में क्या हो जाता है ना, धूप में बैठ जाता है, धूप में तो ऐसे ही मोबाइल में कुछ नज़र नहीं आता है, तो आप धूप में बैठ के ये सब काम कर भी नहीं सकते हो, तो इसलिए मैं कल नहीं डाल पाई थी। तो ये मेरा ना फ्राई हो चुका है बॉल, और अब मैं इसको है ना थोड़ा ग्रेवी इसके लिए बना रही हूँ। तो ग्रेवी के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच ले लिया है, और उसको मैं पानी में घोल लूँगी। उसके बाद प्याज और लहसुन अदरक से मैं इसको करूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और प्याज में हल्का सा 1 चुटकी नमक भी डाल दूँगी। वैसे ये मेरा बेटा का फेवरेट था पहले, लेकिन अब देखती हूँ वो ना वेज मंचूरियन कम पसंद करता है, तो बना रही हूँ फिर भी। अभी तो वो खाएगा नहीं, अभी तो वो दूध के साथ खाएगा, यही मंचूरियन वो सुबह खा लेता है। तो अभी मैं, अब ये देखिए ग्रेवी मेरा ना रेडी होने वाला है। फ्राई करने के बाद इसमें टोमेटो सॉस और सोया सॉस डालूँगी थोड़ा, और उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर का घोल डालूँगी, उसके बाद बॉल डाल दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, मैं ना सॉस इसमें निकाल के रखती हूँ। इस तरह के मैंने ना 4 मतलब डब्बा रखी हुई हूँ, जिसमें मैं ना एक में सोया सॉस डालती हूँ, एक में मैं टोमेटो सॉस रखती हूँ, और एक में मैं रखती हूँ कोई भी, जैसे इमली की चटनी में मीठी चटनी बनाती हूँ तो मैं उसमें रखती हूँ, और एक डब्बा है जो उसमें कभी चिली सॉस रख देती हूँ कभी, क्योंकि ना कभी वो कांच के बॉटल में आते हैं तो निकालने में जल्दीबाजी में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसमें ही निकाल के रखती हूँ, और बहुत आसानी होती है। और ये देखिए मेरा ना ग्रेवी भी अब ठीक होने लगा है, तो इसमें मैं बॉल डाल दूँगी, और ऊपर से मैं हरी प्याज डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक डाला है क्योंकि मैंने हरी मिर्च नहीं डाला है, और ये मैंने ब्लैक पेपर डाला। तो बन गया है मेरा, रेडी हो गया है मंचूरियन। मंचूरियन मेरा बन के अब रेडी हो गया है, तो मैं फटाफट रोटी भी बना लूँगी। और अभी सर्दियों के मौसम में ना जब किचन में घुसती हूँ तो लगता है मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करके ही निकलूँ, क्योंकि अभी सर्दियों में है ना बार बार किचन में घुस के बनाना और मतलब हाथ धोना मेन तो होता है ना, कि जब आप किचन में घुसते हो, खाना बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो बार बार आपको हाथ धोना पड़ता है, पानी का ही काम होता है। तो ऐसा लगता है जल्दी से एक बार में निपटा के निकलूँ, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी। और इस समय लगभग रात के 9 बज रहे हैं, और 10 बजे हम लोग खाना खाते हैं, तो मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, उसके बाद किचन क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। और फ्रेंड, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना वॉइस ओवर, तो मेरा गला पूरा फंस रहा है, आप लोगों से आवाज़ से भी लग रहा होगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8, और अभी मैं सिर्फ चाय पी हूँ, और अब जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और अभी मेरी बेटों की ना सौरभ की छुट्टियाँ चल रही है, क्योंकि ये 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस डे का छुट्टी लोग स्कूल में हो जाता है, अभी जनवरी में इस क्लास हो गए, तो इसलिए अभी जल्दीबाजी नहीं थी स्कूल की, नहीं तो अभी तो इस समय मैं किचन में ही होती हूँ। अब मैं इसकी है ना एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी अभी। तो ये देखिए मेरा ना क्लीन हो गया किचन, और अब मैं इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं दूध चढ़ा दूँगी,
और उधर मैंने आज वाली दूध चढ़ाई और ये इसमें थोड़ी सी ना कटोरी में कल की दूध बची हुई थी तो मैं इसको भी चढ़ा देती हूँ। और अभी अब जा रही हूँ, मैं सबको बोल देती हूँ कि चलो खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं सबको खिला लूँगी उसके बाद ही मैं बेड पर जाऊँगी। नहीं तो पहले अगर बेड पर बैठ जाओ, कंबल में घुस जाओ तो निकलने का दिल नहीं करता। तो सभी को मैं बोलने चली गई हूँ और फिर अब मैं वीडियो का करती हूँ एंड। तो बाय, गुड नाइट।